छत्तीसगढ़ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े के नेतृत्व में भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सारंगढ़ भारत माता चौक के पास केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे का पुतला फूंका। छत्तीसगढ़ प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और कमी को देखते हुए छत्तीसगढ़ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े के नेतृत्व में भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सारंगढ़ भारत माता चौक के पास केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र के भाजपा सरकार और राज्य के कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि ये दोनों सरकारें किसान विरोधी सरकार हैं, ये कभी भी किसानों के हित में नहीं सोचते। अगर सोचते तो आज केंद्र सरकार किसानों की बात को मानकर किसान बिल वापस ले लेती, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि प्रदेश के किसान खाद के लिए भटक रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जबकि हर जगह यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े ने आगे कहा कि अगर स्थिति ऐसी बनी रही तो भीम आर्मी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध होगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। देखिए, किसान आज त्रस्त है, लगभग साल भर होने को है देश की राजधानी दिल्ली में। किसान विरोधी काला कानून के खिलाफ हमारे देश के अन्नदाता किसान राजधानी में आंदोलन के लिए डटे हुए हैं। सरकार की गलत मानसिकता, सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ सेंटर में बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूँ तो यहाँ कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में किसान पूरी तरह से त्रस्त है। किसानों को ये तीसरी बार खाद डालने का समय है, लेकिन आज तक किसानों को खाद नहीं मिल पाया है, जिसके विरोध में भीम आर्मी आज यहाँ देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का पुतला दहन कर रहे हैं। आज किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है और वहीं सरकार दलालों के माध्यम से 700-800 रुपये में उसी यूरिया खाद को बेच रहा है और किसानों तक खाद नहीं मिल रहा, और जिस कर्ज लेकर के किसान खेती बाड़ी करते हैं और उसको खाद नहीं मिल पाएगा, कैसे अनाज उगाएगा, जिसके कारण वो आत्महत्या करने को मजबूर होता है। इसका संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहती है, फिर भी शासन प्रशासन इस बात को नकारती है और हमारे किसान आत्महत्या करने को बेबस हो जाता है। हम भीम आर्मी छत्तीसगढ़ की तरफ से मांग करते हैं कि समस्त प्रदेश के किसानों को उचित समय पर यूरिया मिला जाए, यूरिया खाद दिया जाए, ताकि वो अच्छे से अनाज उगा सके और उसको कर्ज के मारे आत्महत्या करना न पड़े। इसलिए भीम आर्मी जनहित के लिए, किसानों के हित के लिए खाद उसको उचित समय में मिल जाना चाहिए। आज तीसरी बार उनको खाद डालने का समय आ चुका है खेत में, लेकिन यूरिया आज तक नहीं मिल पाया है और सरकार दलालों के माध्यम से 700 से 800 रेट में यूरिया खाद को बेच रहा है और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग भी सरकार को इस कदर डर रहे हैं, उनके इशारा पे चल रहा है कि 700-800 रेट में यूरिया को बेचा जा रहा है, उसको जा करके पकड़ा नहीं जा रहा बल्कि चंदा लेकर के उसको संरक्षण दिया जा रहा है, जिसके विरोध में भीम आर्मी आज रोड पे आकर के, सड़क पे आकर के प्रदर्शन एवं केंद्रीय कृषि मंत्री और छत्तीसगढ़ राज्य का कृषि मंत्री के साथ में देश के प्रधानमंत्री एवं छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं आज। देखिए, किसानों के सम्मान में, जनहित के सम्मान में भीम आर्मी की लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं। भीम आर्मी और भारतीय संविधान के सम्मान में, महापुरुषों के सम्मान में, यदि किसानों को समय पर खाद नहीं दिया जाता है तो फिर पूरे प्रदेश को बंद कराने का पहल किया जाएगा भीम आर्मी की तरफ से, जिसकी जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN 24।